फाइनली हमारी डील अभी यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, कहीं सेफ से एरिया में गाड़ी के साथ अपनी फोटो वगैरह हो जाएगी। मैंने रिट्स क्यों नहीं ली, मैंने क्यों होंडा की ये ब्रियो ली है। ऐसे अगर आपको कम चली हुई गाड़ी मिलती है और वेल मेंटेन्ड मिलती है, ऑल्टो को चलाने के बाद इसके अंदर अगर बैठते है ना तो भाई फील मजा आ जाता है यार। 2 महीने से मैं गाड़ियां सर्च कर रहा था, नहीं लेंगे सेकेंड हैंड गाड़ियां कभी। तो आज हम जा रहे हैं बाइक पे। भाई बाइक पे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमने की है बाइक टैक्सी, और बाइक टैक्सी हमने आपको रीजन बताते हैं थोड़ी देर में। हमने थंबनेल देख के वैसे चेक तो कर ही लिया होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। वैसे भाई सस्पेंस ना रखते हुए हम बता देते हैं कि आज भाई हमारी हम जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। जहाँ पे हम गाड़ी ले रहे हैं अमित मेरे साथ जा रहा है, और फिलहाल अभी जा रहे हैं हम कैश निकलवाने के लिए। तक भाई बैंक के कर्मचारी भी नहीं आए और हम चल पड़े भाई अपना पैसा लेने के लिए, जिनको हमने पे करना है, जिनसे गाड़ी ली है। तो अभी मैंने उनका अकाउंट ना ऐड पे किया है। ऐड पे करने के बाद क्या रहता है ना भाई, उन्होंने बोला कि 24 घंटे तक आप उनको 50,000 रुपए सेंड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो आपको मैं बताता हूँ वीडियो के एंड में जरूर कि भाई कितने की हमें वो गाड़ी कॉस्ट की है और कौन सी गाड़ी हमने ली है। वैसे तो थंबनेल में आपने देख लिया भाई गाड़ी हमने कौन सी ली है। अभी हम जा रहे हैं कैश लेने के लिए, और भाई कैश तो सब आपको पता ही है, कैश निकलवाना कितना ही महारत है। एक गाड़ी बजी थी ना, तो उसके बाद इसका काम वगैरह पूरा सेट हो रखा है। आपको बाहर से दिखाता हूँ कि काम सेट होने के बाद इसकी क्या लुक बन करके बाहर आई है। तो इसमें रबिंग, पॉलिशिंग वगैरह, लाइटें वगैरह सब कुछ इसने टिच काम करवा दिया है। गलियां आपको याद है, याद है आपको, हम यहाँ से आए थे अपनी गाड़ी देखने के लिए, और ये है आपका यहाँ पे लगता है कार बाजार, जो कि यहाँ पे अभी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो यहीं से हमें कैश मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, वो डिपॉजिट वाली मशीन है, अगर आपको पता होगा, जहाँ पे डिपॉजिट वाली मशीन रहती है ना भाई, वहीं से कैश निकलता है। यानी कि ये बल्क में जैसे 25,000 निकल सकता है, 25,000 के आसपास। अरे वाह भाई, रिटिस भी खड़ी है वहाँ पे। और ये लो भाई, कार बाजार में हमारी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी आज ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं, और संडे को देखना है यहाँ पे क्या मेला लगता है। तो भाई फाइनली कैश हमारे हाथ में आ चुका है। हर साल कुछ ना कुछ नया होता रहना चाहिए, बस एक चीज है जो नहीं होती भाई, अपनी ए स्टार को हम चेंज नहीं करेंगे। और भाई एक दिन ऐसा आएगा ना, हम अपनी नई गाड़ी की डिलीवरी लेने भी जाएंगे, सेकंड हैंड गाड़ियां नहीं लेंगे, नहीं लेंगे सेकंड हैंड गाड़ियां कभी, नहीं लेंगे, मजबूरी है भाई सेकंड हैंड गाड़ी लेना अभी फिलहाल हमारी। अगर आपके पास मोटा कैश होता है ना भाई, तो अपनी गाड़ी में अगर कैश काउंट कर रहे हो, अगर ऐसी जगह, मतलब ये तो भाई चलो सेफ एरिया है, अगर आप किसी अनसेफ एरिया में बैठे हो तो अपनी गाड़ी को पहले लॉक कर दो, उसके बाद ये काम करो, क्योंकि क्या रहता है ना भाई, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। जब भी आपकी लाइफ के साथ ना कोई नई चीज ऐड होने जाती है ना, तो कितना मजा आता है। और वेलकम टू पंचकुला भाई, पंचकुला में हम एंटर कर चुके हैं ड्रीम कार को लेने के लिए। वैसे भाई मेरी कोई ड्रीम कार ये नहीं है जिसको मैं अभी बाय कर रहा हूँ, मेरी ड्रीम कार आपको पता ही है कौन सी है भाई, अपनी ड्रीम कार एक्सयूवी है, एक्सयूवी ही रहेगी हमेशा। तो भाई अभी देखते हैं एक्सयूवी तक हम कब तक पहुँचते हैं भाई। अभी तो चलो भाई सेकेंड हैंड ही गाड़ियाँ आ रही है हमारे पास, एक ना एक दिन भाई ऐसा आएगा हम पक्का नई लेकर के आएंगे और नई गाड़ी की डिलीवरी लेने जाया करेंगे भाई। बस वो मौका मुझे जल्दी मिले भाई अपनी नई गाड़ी लेने का, हर एक बंदे का सपना होता है कि भाई वो अपनी नई गाड़ी की डिलीवरी लेने जाए। अभी ये शोरूम देख के ना थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना कि हम नई गाड़ी लेने आए हैं। ऐसे शोरूम के बाहर हम भी खड़े होंगे और डिलीवरी ले रहे होंगे, जस्ट यहाँ पे हुंडई ही है, सामने होंडा है, तो जिनसे मैंने गाड़ी ली है भाई वो होंडा में काम करते हैं। तो फाइनली हमारी डील जो है अभी यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, भैया को पेमेंट वगैरह भी हम कर ही रहे हैं, बाकी जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन थी वो भी फाइल हमारी है एकदम रेडी है। पीछे बैठता हूँ, आगे भैया ने टिफिन रखे हुए हैं, चलना उस साइड, क्योंकि पीछे टिफिन नहीं है पड़े हुए। भाई तूने तो ये मैट ही खिसका दिया पूरे। मेरा यूट्यूब में सारा कुछ रहता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड। अपना करते हो? हाँ मेरा अपना रहता है। फाइल वगैरह रेडी कर दी है, फाइल में सारा कुछ मेंशन है, भैया को खुद ही करवा देंगे काम जो है आरटीओ का, क्योंकि चंडीगढ़ की गाड़ी है और चंडीगढ़ में ही रजिस्टर्ड होनी है, तो कोई ज़्यादा बड़ा सीन नहीं है, जल्दी से हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं कहीं सेफ से एरिया में, जहाँ पे गाड़ी के साथ अपनी फ़ोटो वगैरह हो जाएगी। एक तो प्रूफ भैया के पास रह जाएगा कि भाई हमने गाड़ी किसको दी है, और दूसरा प्रूफ हमारे पास भी रह जाएगा, क्यों भाई? हाँ बिल्कुल। तो भाई फाइनली हमारी पेमेंट अभी कंप्लीट हो चुकी है, और मैसेज भी आ चुके हैं, और भैया कैश काउंट कर रहे हैं जो कि हम लेकर के आए थे। तो भाई कैश का ना थोड़ा सा इशू रहता है, और गाड़ी में छोटा मोटा काम है जो भाई करवाना है, और बाकी गाड़ी का ओवरव्यू मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और भाई ये चीज़ें मुझे ना इसकी अच्छी लगती है यार, ये कुछ यूनिक चीज़ है ये।
मेरे पास गाड़ी आ चुकी है, होंडा की ब्रियो है। और भाई ये मैंने क्यों लिए इसका मैं आपको पूरा रीजन बताता हूँ। इसको लेने का भी एक बहुत बड़ा मकसद है भाई। और गाड़ी महज चली है अभी 47,373, यानी कि डेढ़ लाख चली होती है गाड़ियाँ। तो भाई ये क्या है ना भाई, होंडा का इंजन एक ऐसा है, रिफाइन इंजन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती है, ना तो ये गाड़ियाँ ज़्यादा काम मांगती है। और मैंने लिया ये पेट्रोल वेरियंट, अमेजिंग फील है यार। अब छोटे मोटे काम है इसमें करवाने वाले, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या काम है। मैंने रिट्स क्यों नहीं ली, मैंने क्यों होंडा की ये ब्रियो ली है, हर एक क्वेश्चन का आपको मैं रिप्लाई करूंगा। अगर आप भी सेकंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हो तो आपके वो भी मैं ये सब चीजें क्लियर कर दूंगा कि भाई कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए सेकंड हैंड जा रहे हो खरीदने के लिए। तो इसलिए क्या ना भाई, अमित जब भी शूट करता है तो इसके क्लिप अच्छे नहीं आते, तो इसलिए मैंने बोला तू इस गाड़ी को चला, मैं अपनी ऑल्टो चलाता हूँ। गाड़ी की ना क्या लुक आ रही है भाई। देखो अगर गाड़ी को आप तैयार करवाते हो तो गाड़ी की लुक तो वैसे ही एनहांस हो जाती है, बट भाई जैसे अगर आपको कम चली हुई गाड़ी मिलती है और वेल मेंटेन्ड मिलती है ना, तो दिल को खुशी एक अलग ही लेवल रहता है। और भाई क्या गजब लग रही है। और इसका इंटीरियर भाई, बाहर से गाड़ी पूरी ब्लैक है और अंदर से इंटीरियर जो है भाई क्रीम कलर का है। सीरियसली भाई क्या अमेजिंग लुक दे रहा है यार अंदर से भी इसका इंटीरियर। अब जो इसमें छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस है ना, वो अभी हम स्टार्ट कर देंगे। आने वाली वीडियोस में आपको इसकी मॉडिफिकेशन जो है दिखेंगी भाई जरूर। अपना ऑल्टो को चलाने के बाद इसके अंदर अगर बैठते हैं ना, तो भाई फील मजा आ जाता है यार। एक्चुअली क्या है ना, गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है चलाने के लिए। और इसमें कुछ एक माइनर चेंजेस है जो हमने करवाने हैं, तो आपको छोटे छोटे हमने एक शॉर्ट्स दिखाए इसके, छोटे छोटे शॉर्ट्स। तो कैसे लगे आपको शॉर्ट्स तो आप बताना ना भूलें। और ये वाला ना, इसका मैंने बुडमो से मंगवाना है भाई ये वाली चीज़। तो भैया ने बोला उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने क्या किया भाई, इसको ऐसे उखाड़ दिया है। इसमें हमने फ्यूल भी लेना है ना, भैया ने फ्यूल नहीं डाला इस पे। तो भाई सुबह के बजे 10:48 और गाड़ी आकर के हमारे पास खड़ी हो चुकी है। एक्चुअली क्या है कि भैया ने क्या किया भाई, हमारी एक फोटो ली है, तो क्या है कि उनके पास भी प्रूफ रह जाएगा गाड़ी हमने किसको दी है। और गाड़ी का फाइल का चार्जेस वगैरह खर्चा वगैरह सारा कुछ वो ही करेंगे। खर्चे की भाई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, 520 रुपए लगेंगे इस पे हमारे नाम पे ट्रांसफर करवाने के। तो सिंपल सा है भाई, जहाँ की रजिस्ट्रेशन है वहीं पे ये रजिस्टर्ड होगी। अभी शाम के बजे 6:17 और अभी ऑफिस से हुई है छुट्टी भाई। क्या है भाई, मैंने गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन रखी है, और पार्किंग लाइट ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आता है आपका होंडा ब्रियो में। अगर आप ओनर हो ब्रियो के तो आपको पता ही होगा कि इसमें क्या है क्या नहीं रहता। दो एयरबैग इसमें आ जाते हैं, और दूसरा भाई इसमें मुझे एक चीज़ का पता नहीं चल रहा, इसका ये जो सिस्टम है इसमें ब्लूटूथ इनबिल्ड होता है या नहीं, ये मुझे अभी तक नहीं पता है। ब्लूटूथ होना बहुत ज़रूरी है, वैसे इसमें पेन ड्राइव वाली ऑप्शन तो है। और आगे कहीं रोक करके आपको गाड़ी का एक ओवरऑल लुक दिखाता हूँ मैं कि गाड़ी देखने में कैसी लगती है बाहर से, वैसे तो आपने फुटेज देख ही ली। सो फाइनली गाइस, अपनी जो गाड़ी की सर्च है वो आज यहाँ पे आकर के खत्म होती है। जब भी आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी बाय करते हो ना, बाय करने जाते हो, तो आपके दिमाग में बहुत से ऐसे ख्याल पनपने लगते हैं कि भाई हमें गाड़ी कैसी मिलेगी, कितनी चली हुई मिलेगी और कहाँ से मिलेगी, क्या रहेगा क्राइटेरिया। तो भाई इस गाड़ी को खरीदने के लिए भाई मैंने 2 महीने का वेट किया था, और मेरे दिमाग में ये गाड़ी तो थी नहीं बिल्कुल भी कि मैं होंडा की ब्रियो लूँगा। मेरे दिमाग में होंडा की ब्रियो थी, रिट्स थी, ऑल्टो थी। और जब भी बंदा सेकंड हैंड गाड़ी लेने के लिए जाता है ना, तो भाई बंदा इन्हीं सब गाड़ियों के बारे में सोचता है और आगे बढ़ता है। और मेरा भी कुछ ऐसा ही था भाई, 2 महीने से मैं गाड़ियाँ सर्च कर रहा था, OLX, फेसबुक, स्पिनी, कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं होगी जो मैंने छोड़ी होगी। एक इससे पहले मैंने रिट्स थी मारुति सुजुकी की, मैंने वो फाइनल कर ली थी भाई, वो थी डीलर के पास खड़ी और वो फर्स्ट ओनर थी। 75,000 किलोमीटर वो गाड़ी चली हुई थी, प्लस उसमें यह था भाई कि वो
सिर्फ उसकी एक सिंगल की थी और उसकी कीज में कोई भी आपका सेंटर लॉक नहीं था। ये तो मेरा भाई लक्की समझो कि मुझे एकदम से ये गाड़ी मिल गई। और मैंने भैया को फ़ोन खड़काया और सीधा भाई उनको बोला कि भाई बताओ गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे आना है। और उस जिस दिन मैंने रीड्स लेनी थी यानी कि फाइनल करनी थी, उस दिन मुझे ब्रियो मिल गई। तो भाई देखो गाड़ी, अभी मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये गाड़ी मैंने क्यों बाय करी है। तो गाइज ये गाड़ी मैंने बाय करी है अपने पापा के लिए। तो क्या है कि भाई पापा के लिए इस टाइप की गाड़ी बहुत ही अच्छी है, हल्की हल्की गाड़ी भी नहीं कहूँगा भाई इसको, अच्छी गाड़ी है। यानी कि इसका एवरेज इंजन वाइज हर एक चीज़ अच्छा है। और जो मैंने ये गाड़ी बाय करी है भाई, ये गाड़ी है आपका 2012 मॉडल और ये गाड़ी कुल मात्र चली हुई है 47,000 किलोमीटर और ये मुझे कॉस्ट की है 2,55,000 रुपीज़, जो कि भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल सही रेट है इसका। अभी इसमें क्या है कि भाई देखो क्या क्या चीज़ें करवाने वाली हैं। एक तो इसकी ये जो लाइट है टेल लाइट लेफ्ट साइड वाली, ये यहाँ से ना टूटी हुई है तो इसको मैंने चेंज करवाना है। देखो भाई छोटी मोटी चीज़ें तो आपको सहन करनी ही पड़ती है जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी बाय करते हो। और एक इसका लाइट वाला इशू है, एक इसका अंदर जो एसी वेंट होता है ना भाई वो डलवाना है, जैसे कि ये है यहाँ पे एसी वेंट। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो कि अभी डलवानी है और इसमें कोई भी नया काम नहीं है करवाने के लिए। लाइक इंजन तो भाई इसका एकदम रिफाइन है और जिन भैया से मैंने ये गाड़ी ली है ना भाई वो होंडा में ही काम करते हैं और होंडा में काम करते हैं और गाड़ी कम चली है। टायर इसके स्टॉक जो इसके साथ आते हैं टायर वो ही हैं। इस गाड़ी का मैं एक रिव्यू लेके आऊँगा, आप वीडियोज़ को देखते ही रहते हो और इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तो भाई आपके लिए एक मैं अभी इसका ओवरव्यू लेकर के आऊँगा कि भाई ये मुझे गाड़ी कैसे मिली है, कहाँ से मिली है और क्या क्या इसकी मैं एक पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस। तो भाई आपको मैं ज़रूर वो चीज़ बताऊँगा कि क्या क्या स्ट्रगल था, वैसे आपको छोटा मोटा चीज़ तो मैंने बता दी है और भी जो हिडन बातें हैं वो मैं आपको बताऊँगा गाड़ी लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको आज का वीडियो किसी भी वजह से पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको इसी टाइप का डेटा देखने को मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। अभी अंधेरा कुछ एक्सट्रीम लेवल हो चुका है, मैं अपने ऑफिस से भागता हुआ इसीलिए आया कि भाई मैं आपको गाड़ी का एक ओवरव्यू दिखा दूं, बट यहाँ पे अंधेरा हो गया और दिखाना तो भाई कुछ पॉसिबल हो नहीं सकता। और दूसरा भाई इसमें जो हैलोजन बल्ब है ना, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये भी मैंने चेंज करना है। अगर मैं ब्लॉग करूँगा तो आगे इसकी लाइट नहीं है या इसकी लाइट यहाँ पे है, तो अभी इसमें मैंने मॉडिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा करनी है तभी जाकर के इसको आगे मैं पापा के पास छोड़ूंगा। तो आपको एक चीज़ दिखाना मैं भूल गया था, जो इसकी चाबी है ना भाई इस पर सेंटर लॉक आता है और इसकी सेकेंड की भी है। बिना इसके जो कर्टेन इनको उतार देता हूँ क्योंकि मैंने जाना है चंडीगढ़। और इसकी लाइट का थ्रो ना भाई बहुत प्यारा यार, जो मेरी ए स्टार की लाइट है ना उससे कहीं ज़्यादा इसका थ्रो है लाइटों का। अंधी गाड़ी अच्छी नहीं लगती टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि भाई देखो अगर आपकी गाड़ी में लाइट्स अच्छी हो ना तो मज़ा आता है गाड़ी को चलाने का भी और देखने का भी मज़ा आता है। तो ये वाली चीज़ें मैं करवाऊंगा आने वाले ब्लॉग्स में। तो आज का वीडियो भाई पता नहीं आपको कैसा लगा हो, क्योंकि भाई आज ना एक्साइटमेंट थी गाड़ी लेने की और जब आपको पता है कि एक्साइटमेंट होती है गाड़ी लेने की तो कुछ पता नहीं चलता। और इसमें ना यहाँ पे लाइट नहीं है, जो मेरे फोन की फ्लैश लाइट है मैंने उसको ऑन करके रखा है और फिर ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि बाहर हो चुका है अंधेरा। सीन ये है ना भाई, अभी तो हम सेकेंड हैंड गाड़ियों की डिलीवरी ले रहे हैं क्योंकि भाई देखो अपना जो पॉकेट जितना अलाउ करती है ना हम उसी हिसाब से अपना बजट तय करते हैं और गाड़ियाँ बाय करते हैं। अभी देखो आज हमने ली है गाड़ी और गाड़ी के साथ साथ अभी मेरे साथ आन्या है, आन्या एक छोटा सा बच्चा है नन्ना सा, तो इसके लिए भी आज एक गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अभी चंडीगढ़ सेक्टर 23 रामा स्टोर में। आन्या बोल रही है कैमरा मुझे दे दो, भाई आन्या को कैमरा बस एक बार दिखना चाहिए। आन्या उड़ता हुआ आता है मेरे पास बेटा, ये देखो इसका हाल देखो भाई। आन्या बताओ क्या कौन सी गाड़ी आएगी आन्या की? आन्या बोलती पापा के लिए आई है गाड़ी तो मेरे लिए भी आएगी है ना। हाँ वो चलो ये है हमारी अन्या की गाड़ी। एक गाड़ी बाहर खड़ी है और दूसरी गाड़ी अन्या रोक रहा है, ये ले 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 चलाओ चलाओ चलाओ। स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक बैग रखा हुआ है और इस साइड मेरा एक ये बैग है, तो इनको मैं जस्ट ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ। अन्य मेरी गोदी में और अन्य ने कर दिया है सुसु, तो आई थिंक यहाँ पे अगर आ जाती है तो ठीक है। और पीछे तो भाई ब्रियो में स्पेस नहीं है। अन्य बोलती मेरे पास कैमरा दे दो और मैं कैमरा में बातचीत करूँगी, ठीक है। अभी अन्य चुप हो गया नहीं नहीं बस 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 हो गया, सबको किसी मिल गई, सबको किसी मिल गया बेटा। ये अन्य एक
एक गाड़ी के अंदर दूसरी गाड़ी आ रही है, बस निकाल ऐसे निकल भी जाएगी है ना। आने की गाड़ी दादा आने हैप्पी है ना, आने की गाड़ी क्योंकि आ चुकी है। अब चलते हैं घर सीधा और आने को गाड़ी चलाना सिखाते हैं। ये